अब हम लोग इसको फिर से असेंबल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पर लगाएंगे एक थर्ड गियर, ये था थर्ड गियर। थर्ड गियर का फिर सिंक्रोनाइजर रिंग को लगाएंगे, सिंक्रोनाइजर रिंग लगा दी। इसके बाद फिर हम लोग सिंक्रोनाइजर यूनिट को लगाएंगे, सिंक्रोनाइजर यूनिट भी सेट हो गया। एक वाशर देंगे और फिर सर्किट के सहायता से इसे लॉक कर देंगे। एक ही को सर। अब दूसरी ओर फिर से पहले स्लिप को लगाएंगे, फिर स्लिप लगा ना सेकेंड गियर को लगा रहे हैं, सिंक्रोनाइजर रिंग और फिर सिंक्रोनाइजर यूनिट। कैसे सिंक्रोनाइजर रिंग लगा रहे हैं और फिर ये रहा फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर के बीच में नेटिव रोलर बेरिंग और स्लिप दोनों रहता है। इसके बाद एक वाशर और फिर बॉल बेरिंग रहता है जो कि गियरबॉक्स के बॉडी में इसको पकड़ बनाए रखता है और स्लिप को आसानी से घूमने में मदद करता है। इसके बाद ये रिवर्स गियर, स्पर टाइप का गियर है। फिर इसको यहाँ पर सर्किट के सहायता से लॉक कर देते हैं। फिर से इस पर से उल्टा किया, सिंक्रोनाइजर रिंग लगाए फिर से और ये टॉप गियर और क्लच शाफ्ट दोनों एक साथ इंगेज है, फिर से यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये गियर अरेंजमेंट पूरा हुआ। अब इसको हम लोग गियर बॉक्स बॉडी में फिट करेंगे। इसको ये वार्म टाइप का गियर इस पर गियर के बाद में लोअर गियर बॉक्स बॉडी, इसमें काउंटर शाफ्ट रहता है। काउंटर शाफ्ट को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फर्स्ट बेयरिंग को लगाते हैं साइड का। बेयरिंग को लगा दी, अब इसको सर्किट के सहायता से लॉक कर देंगे। ये बेयरिंग अब लॉक हो गई।
आपको लगा दिया इसके ऊपर से, फिर से एक बेयरिंग लगाते हैं इसको अच्छा से बैठाने के लिए। अपर बॉडी में पूरे गियर अरेंजमेंट को सेट करते हैं। इसमें दो डॉग भी है जो स्लिप को पकड़ बनाए रखता है हमेशा गियर सेटिंग के लिए। ये गियर शिफ्टिंग और पूरा गियर अरेंजमेंट इसी प्रकार फिट रहता है। देखिए इस प्रकार से नीचे यहाँ शाफ्ट लगा है और गियर इंगेज और डिसइंगेज इस प्रकार से होता है। देखिए इसमें गियर अरेंजमेंट के लिए डॉग लगा हुआ है, उसके साथ स्लिप भी है। इसमें इस प्रकार से गियर शिफ्ट होता है। अभी ये न्यूट्रल गियर में है, जब ये गियर इस सिंक्रोनाइजर रिंग में चढ़ जाएगा, चढ़ के पार हो जाएगा, इस पार आके इंगेज हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे ये गियर इंगेज है, या फिर जब बीच में हब में रहेगा तो समझेंगे हम ये गियर डिसइंगेज है यानी न्यूट्रल गियर में। इस प्रकार से गियर इंगेज होता है। फिर ये फर्स्ट गियर है, फर्स्ट देखिए ये इंगेज है, अभी ये डिसइंगेज है, अभी ये इस पर सेकंड गियर, इस पर इंगेज है, अभी इस प्रकार से इसमें गियर इंगेज होता है। इसके ऊपर से ये काउंटर शाफ्ट है, ये निचला बॉडी पोजीशन है, इसको हम लोग सेट करते समय ये पहले इसको सेट करते हैं, इसके बाद इसको ऊपर से ढकते हैं। गियर खुद ब खुद रेंज हो जाता है अंदर में। पीछे से ये अंडर गियर है, रिवर्स गियर लगाने के लिए साफ किया गया है। इसे रिवर्स गियर लगता है, ये इंगेज है, नोटिसिंग करके लगाते हैं इसको।
से प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है, ये मैन शाफ्ट मैन शाफ्ट इसके अंदर से रहता है। ये गियर बॉक्स गियर शिफ्टिंग के लिए है, ये जो दोनों है ये गियर शिफ्टिंग के लिए इसमें साफ दिया गया, इसे ये कनेक्ट रहता है और ये फॉर्क है, ये गियर लीवर से कनेक्ट रहता है, इसको हम लोग सबसे ऊपर पोजीशन में लगाते हैं गियर बॉक्स का। से यहाँ इंगेज रहता है, इस प्रकार से सिंक्रोनस गियर बॉक्स का पूरा असेंबल हो गया। धन्यवाद।